इन हेडफोन की जो रेटिंग है वो है 12,000 एंड 4.4 स्टार रेटेड है, मतलब हेडफोन में कुछ तो दम है। हेडफोन का नाम है साउंड कोर Q20i। तो ये है एंकर का सब ब्रांड एंड साउंड कोर यार आपको प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस देता है विद द हेल्प ऑफ नेक बैंड, टीयर ब्लस एंड हेडफोन। सेल में इसका प्राइस अमेजोन पे 4,000 रुपीज था, कोई बैंक डिस्काउंट नहीं मिला। लिटरली जो प्रोडक्ट था फर्स्ट इंप्रेशन में इतना सरप्राइज था भाई, JBL सोनी के पीछे लोग वैसे ही पागल है, तो असली ये दमदार प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम लुकिंग बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे कपल ऑफ फीचर्स हाइलाइटेड है। पीछे आप देखेंगे तो मल्टीपल लैंग्वेज मिल जाते हैं बिकॉज ये इंटरनेशनल ब्रांड है। नाउ जैसे आप इसको निकाल रहे हैं आपको बुकलेट मिलती है पूरी बड़ी, एक टाइप सी चार्जिंग केबल विद साउंड कोर ब्रांडिंग एंड एक ऑक्स केबल, जी हाँ 3.5 mm जैक आपको इसमें मिलता है। नाउ मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं भाई, काफी स्टाइलिश काफी प्रीमियम लग रहा है एंड कोई भी इसको देख के नहीं बता सकता भाई ये 4-5 हज़ार रुपए का हेडफोन है। काफी फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा है, शानदार है। अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है तो प्लास्टिक, बट जो मटेरियल यूज किया, जो क्वालिटी यूज किया, फिनिश है टॉप नोच आपको मिलती है। हेडरेस्ट काफी स्मूथ एंड सॉफ्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं हेड रेस्ट है। ईयर कप्स यहाँ पे काफी बड़े रखे हैं एंड कंप्लीटली ओवर ईयर है हेडफोन है, सो लाइक काफी बड़ी ऑडियंस को टारगेट किया क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो ईयर है वो इसमें आराम से फिट हो जाएंगे। अगर फिट नहीं भी होते हैं तो भी जो कुशन है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट आपको देखने मिलते हैं। राइट साइड पर आपको सारे बटन्स देखने मिल जाएंगे इंक्लूडिंग ANC पावर ऑन एंड ऑफ, एंड पोर्ट्स जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ धसे हुए हैं जिसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड 3.5 mm जैक, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड आपको बिल्कुल एम्प्टी है, हेडफोन को आप फोल्ड करके ले जा सकते हैं एंड इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं। नाउ टोटल जो कंफर्ट लेवल है भाई वो काफी बढ़िया है, काफी मजेदार मिलता है एंड ये आपको ANC भी प्रोवाइड करते हैं वो काफी सरप्राइजिंग है। बिकॉज अगर ओवर ईयर हेडफोन की मैं बात करता हूँ ना तो वो बाय डिफॉल्ट एक पैसिव नॉइज कैंसिलेशन या फिजिकल नॉइज कैंसिलेशन आपको देते हैं, ANC की उतनी नीड नहीं होती है, बट या ANC मिलता है तो भाई उससे बेटर क्या चाहिए। ये 90% तक बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल आउट कर सकता है अगर आप ANC पे मूव करते हैं तो। ANC के लिए यहाँ पे कोई भी एडिशनल ऑप्शन नहीं दिया गया, जस्ट आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं एंड एम्बिएंट मोड जो ना इसका काफी नेचुरल साउंड कर रहा है, तो भाई दमदार हेडफोन है, दमदार ANC है, दमदार लाइक ओवरऑल प्रोडक्ट है। ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, कोई भी गूगल की फास्ट पेयरिंग नहीं मिलती, बट थैंकफुली यहाँ पे आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड एप्लीकेशन सपोर्ट है। एप्लीकेशन काफी मिनिमल फीचर्स आपको डिलीवर करते हैं जिसमें ANC कंट्रोल के अलावा आप ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रीसेट की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, आप अराउंड 20 प्रीसेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर प्रीसेट से भी आपका मन नहीं भरा तो भाई आप कस्टम प्रीसेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड 40 mm के ऑडियो ड्रायर्स विद हाई रेज जो साउंड आपको डिलीवर करते हैं भाई वो आपको सुन के काफी सरप्राइज होंगे। जी हाँ ये बेस ओरिएंटेड हेडफोन नहीं है, ये आपको मोर ऑन नेचुरल एंड बैलेंस साउंड प्रोवाइड करते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन अंडर 5,000 रुपीज। मैंने JBL ट्राई आउट किए हैं, सोनी ट्राई आउट किए हैं, बोट एंड ना जाने कौन कौन से ब्रांड ट्राई आउट किए हैं हेडफोन के मामले में भी, बट इनसे बेटर कोई भी हेडफोन नहीं लगा अंडर दिस बजट। बटन कंट्रोल नॉर्मल आपको देखने मिलते हैं, आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल एक अच्छा फीडबैक है, इजी टू कंट्रोल, ये इसके टच बटन है। गेमिंग करने तो गेमिंग कर सकते हैं, वायर्ड हेडफोन में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। विद ANC 40 आवर का बैटरी बैकअप, विदाउट ANC 60 आवर का बैटरी बैकअप ये आपको डिलीवर करते हैं एंड आपने देखा होगा भाई अदर ब्रांड विदाउट ANC जो बैटरी बैकअप वो फ्लैक्स करते हैं, बट इन्होंने विद ANC फ्लैक्स किया 40 आवर, उससे ज्यादा आपको बैटरी बैकअप इन्होंने बोला ही नहीं, बट या आप लेटर ऑन चेक करेंगे प्रोडक्ट पे डिटेल पे तो आपको 60 आवर भी दिखता है बैटरी बैकअप और क्विक चार्जिंग भी ये आपका हेडफोन सपोर्ट करता है। नाउ माइक्रोफोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 4 माइक सपोर्ट मिलता है, 2 माइक्रोफोन इनसाइड है, 2 आपको आउटसाइड माइक्रोफोन देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से ANC तो आपको बेटर देखने के लिए मिलेगी बट साथ साथ आपको जो ऑडियो ओरल कॉल क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त मिलता है। मैंने टेस्ट किया, ये है रिजल्ट, सुनो एक बार। तो गाइस साउंड कोर के Q20i हमारे पास है यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं माइक्रोफोन की प्रोसेस से एंड यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा नॉइज भी है जिसकी वजह से जो माइक्रोफोन है वो नॉर्मल अभी रहता तो थोड़ा स्ट्रगल करता, बट ये देखना भाई इन कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने बेटर क्लियरिटी आपको देते हैं। हाउ एवर आप इसको वायर्ड ईयरफोन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, आपको 3.5 mm के यहाँ पे मिलता है, बट ये है क्वाड माइक्रोफोन के साथ इसका ओवरऑल चीज़ें। ओके आपने माइक सुन लिया, अब मैं बात करता हूँ भाई ओवरऑल प्रोडक्ट की। यहाँ पे आपको ईयर कंफर्ट मिलता है, एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, ऑडियो क्वालिटी तो कहने क्या, हाई रेंज की वजह से 40 mm ऑडियो ड्राइवर्स की वजह से जो साउंड है वो आपको टॉप नोज मिलती है। बैलेंस साउंड अगर आपको चाहिए देन या यू कैन गो फॉर दिस। बैटरी बैकअप 40 आवर 60 आवर का आपको मिलता है, अगर ये 30 आवर भी देते हैं तो भाई कोई भी वहां पे कंप्रोमाइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप हेडफोन यूज नहीं करेंगे।
मेन चीज लाइक एप्लीकेशन सपोर्ट है, जो आप साउंड को 22 प्रीसेट में से चूज कर सकते हैं कौन सा आपको यूज करना है, एंड कस्टम भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा डुअल पेयरिंग का एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फीचर मिल जाता है, साथ साथ पोर्ट एंड यहाँ पे आपको मिलता है। तो इन केस हेडफोन बैटरी नहीं है तो आप इसको वायर्ड हेडफोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट इस बजट में इससे बेटर हेडफोन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे को 4000 के मिले हैं। आप अगर ट्राई आउट करना चाहते हैं नीचे लिंक है, उससे आप ये हेडफोन परचेज कर सकते हैं। तो ये था गाइस इस वीडियो के लिए, होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।